नमस्कार। मुंबई में बारिश बहुत ही जल्द होने वाली है, ऐसे में बीएमसी ने मानसून के मौसम में जलभराव की समस्या से बचने के लिए रेलवे पटरियों पर पंपों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा इससे रेलवे प्राधिकरण को 31 मई से पहले प्री मानसून कार्य जैसे पेड़ों की कटाई और रेल पटरियों के नीचे चलने वाले नालों और पुलियों की सफाई को पूरा करने को कहा है। बीएमसी आज रेलवे अधिकारियों के साथ अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलारुस द्वारा आयोजित एक समन्वय बैठक में यह फैसला लिया गया। बीएमसी 28 स्थानों पर उच्च दबाव पंप स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुंबई में भारी बारिश ना हो, मानसून के दौरान लाइफलाइन लोकल ट्रेन ठप ना हो। आप सभी को बता दें, कुल मिलाकर नागरिक निकाय सेंट्रल और हर्बल लाइन पर 18 स्थानों पर और पश्चिमी लाइन पर 10 स्थानों पर उच्च दबाव वाले पंप स्थापित करेगा। इस बीच बीएमसी इस साल मस्जिद बंदर स्टेशन पर 9000 क्यूबिक मीटर क्षमता, महालक्ष्मी स्टेशन पर 24000 क्यूबिक मीटर और चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन के पास 11000 क्यूबिक मीटर क्षमता का पंप लगाएगी। साथ ही प्रभाव देवी और दादर के बीच 3000 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले दो पंप लगाए जा रहे हैं। पंप किए गए पानी को प्रमोद महाजन उद्यान में भूमिगत भंडारण टैंकों में लाया जाएगा। पिछले साल बीएमसी ने 2000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले पंप स्थापित किए थे, हालांकि रेलवे को जलभराव का सामना करना पड़ा। वहीं दादर से माटुंगा रोड के बीच सॉक्स स्थानों और बांद्रा टर्मिनस स्टेशन के पास 3 स्थानों पर इसी तरह के पंप लगाए जा रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद स्टेशन, सैंडर्स भाई क्लास, चिंचपोकली, परेल, सायन, घाटकों पर विद्या विहार, बिक्रोली, भांडुप, नाहूर, सिवड़ी, वडाला, तिलक नगर से विभिन्न क्षमता के पंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी का दावा है कि शहर में गाद निकालने का 75% से अधिक का काम पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस बार मुंबई में बारिश की वजह से क्या मुंबई लोकल ट्रेन ठप होती है या नहीं। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।